नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आवाज़ आज थोड़ी सी बैठी हुई है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। कल ठंडा खाने की वजह से आवाज़ के अंदर दिक्कत आ गई थी। तो इस वजह से थोड़ा सा आज आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जिसमें 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है एक देश के अंदर। जिस प्रकार से हम ये सोच रहे थे कि बार 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 चिंताएं बढ़ रही हैं, बार 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 मिडल ईस्ट की तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो क्या हकीकत में एक बड़े विश्व युद्ध का आगाज़ मिडल ईस्ट की तरफ हो सकता है? तो इस प्रकार की इस घटना के लिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। इतने गले को भी रेस्ट मिल जाएगा और आप इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वही वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये पहले से ये बात कही गई है। बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़ी पीड़ा आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहीं पर अब हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए दुनिया के अंदर स्थापित होने वाले नई व्यवस्था की। हम लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए आगे आने वाले उस समय की जो कि असुरी शक्तियों को बढ़ावा देता हुआ नजर आता है, असुरी शक्ति प्रभावी होती हुई नजर आती है। और खास तौर के ऊपर ये नेगेटिव फेस हम लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ी अव्यवस्था को स्थापित करता हुआ नजर आता है और ये स्थापित होकर भी रहेगी, इसको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो मिडल ईस्ट के लिए वो कठिन समय आ गया था निकल, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धीरे धीरे एक चीज को समझाते हुए मैंने आपको ये वीडियो बताया। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई ये सारी की सारी आगे आने वाले समय के अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आएंगी। कई बार अनसर्टेन राज्यों के अंदर कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सुन लिया होगा आपने, छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था। इस समय के अंदर इसराइल ने, जो मैंने कहा कि इसराइल बार 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 एक के बाद एक अपनी एक नई शुरुआत करेगा, क्योंकि उसकी रणनीति ये होती है अगर उसको कहीं से खतरा महसूस होता है तो वो उस खतरे को अपनी तरफ आने नहीं देता, वो उस खतरे को अपने से होने से पहले, घटित होने से पहले ही उस खतरे के ऊपर हमला बोल देता है। और यही कारण है कि इसराइल बड़ी समस्या में भी फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने पहले से ग्रह स्थिति के माध्यम से ये बात बोली गई थी। अब हिजबुल्ला को लार्ज स्केल अटैक करना था, सभी लोगों को पता था कि हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर लार्ज स्केल अटैक कर सकता है, लेकिन उसने लार्ज स्केल अटैक नहीं किया। वो आराम से बैठा सोचता रहा, पता नहीं क्या सोच रहा था, लेकिन उसने उस अटैक को होल्ड करके रखा। लेकिन थोड़े समय पहले, अभी कल ही का दिन जो हम लोग कह रहे थे ना 26 अगस्त से पहले के ये तीन महत्वपूर्ण दिन, मैंने ये वीडियो आप लोगों को कल भी दिखाया था इसलिए आज रिपीट नहीं किया, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो 26 अगस्त से पहले कल 25 अगस्त का दिन था, हम लोग आराम से घर में बैठे हुए थे, दुनिया में बड़े आराम से लोग घर में बैठे हुए थे, कई जगहों के ऊपर काम होता है, कई जगहों के ऊपर छुट्टी होती है। इसराइल ने लेबनान में तेहरान के ऊपर एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल ऑफ अटैक करा। इसको खबर मिली कि वहाँ से अटैक होने वाला है हिजबुल्ला के द्वारा, और हिजबुल्ला वहाँ पे एक्टिव भी रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये हम पे अटैक करें, इससे पहले जिस जगहों से ये अटैक करेंगे हम उस जगहों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन जगहों को ख़त्म कर देते हैं और ये हम पे अटैक कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार इसराइल की ये चाल बिल्कुल उल्टी महसूस हुई, क्योंकि जैसे ही इसराइल ने लेबनान पे जैसे ही हमला करा, इसने सोचा भी नहीं था कि हिजबुल्ला इस समय के ऊपर, जो ईरान है वो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है, ईरान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि ईरान करवा रहे हैं, नहीं, ईरान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी है, आप इसको देख भी सकते हैं। लेकिन ईरान का हस्तक्षेप ना होने के बावजूद भी हिजबुल्ला ने इतना लार्ज स्केल अटैक रिवर्ट के अंदर इसराइल के ऊपर कर दिया, जिसका वीडियो एक्स ट्वीट के ऊपर वायरल हो रहा है, एक्स ऐप के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें जो इसराइल करना चाह रहा था,
इसराइल तो वो नहीं कर पाया, लेकिन जिस बात से इसराइल खौफ में आ रहा था, अगर ये अटैक इसराइल नहीं करता तो 1% हो सकता है कि हिजबुल्ला आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक अटैक नहीं करता या फिर इतना लार्ज स्केल अटैक नहीं करता। इसने सारे के सारे घर इसराइल के अंदर जो घर थे वो जलते हुए घरों का वीडियो शेयर हुआ है। तो इतनी बड़ी घटना इसराइल के अंदर घटित हो गई है, जिस कारण से इसराइल के अंदर 48 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। 48 घंटे के लिए लगी गई इमरजेंसी ये दिखा रही है कि इसराइल में कितना बड़ा खौफ का माहौल उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अपनी ही करतूत में फंसता हुआ ये देश, अपने ही नियम के कारण हानि उठाता हुआ ये देश, अब हम लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि ग्रहिक स्थिति ने जो बताया था कि कर्म इस समय के ऊपर सबको सजा देगा। शनि का पड़ाव चल रहा है इस समय पे, राहु बलवान है और मिडल ईस्ट के लिए ऑलरेडी संकट का समय चल रहा है। इसराइल और ईरान के लिए मैंने आप लोगों को पहले से न्यूज़ दी थी, लेबनान के अटैक के बारे में मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया हुआ था, और मैंने ये भी कहा था कि अगर बड़ा स्केल का अटैक हुआ तो इसमें हानि इसराइल की होती हुई नज़र आएगी। उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को याद होगा, अगर जिन लोगों को याद नहीं है तो ईरान इसराइल की युद्ध की आग कहीं आपके दरवाजे तक ना पहुँच जाए, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी, पता लग जाएंगी। और इस समय के ऊपर इन कठिन परिस्थितियों के अंदर मिडल ईस्ट जिस प्रकार से अपने आप को अपने ही समय के अंदर जूझता हुआ, परेशान होता हुआ, अपनी ही बुराई के कारण फंसता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। जी हाँ, अब कहेंगे हमारे लिए क्यों, क्योंकि ये समय भारत के लिए भी चिंतादायक समय है। भारत के लिए चिंतादायक इसलिए है कि भारत के कई राज्यों के ऊपर, जिन राज्यों के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, उन पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्राकृतिक संकट के साथ साथ आगे आने वाला आपदाई संकट, जनता के ऊपर संकट, जनता के द्वारा उत्पन्न होने वाला संकट हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे 26 को, और मंगल का मिथुन राशि के अंदर प्रवेश ये 26 को मंगल का आज के ही दिन मतलब, और शुक्र 25 को सप्तमी में शुक्र नीच के हो चुके हैं, तो इसके बारे में और मंगल के मिथुन में आने के, बुध के राशि के अंदर आने के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी हुई है। लाइव सेशन के माध्यम से आगे और जानकारी दे दूंगा। तबीयत ख़राब है आज, हो सकता है कि लाइव सेशन ना रख पाऊँ, क्योंकि जब तक बोला ही नहीं जाएगा तो कैसे रख पाऊँगा। उम्मीद है आज की ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अपने ब्रदर का सपोर्ट भी करेंगे। कल आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए थे, उनका सपोर्ट भी किया, और कई लोगों ने ये बोला हुआ था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अरे भाई इन मूर्ख लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई ये बात होगी या नहीं होगी, इट्स अ फ्यूचर, कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। मैंने बताया था कि मॉर्निंग वाला न्यूज़ और एस्ट्रोलॉजी दोनों के बिहाफ के ऊपर वीडियो आता है, और ये वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पष्ट से बताया था कि ये एक बुक है जो एक राइटर ने लिखी है, और उस बुक को मेरे को मिली भी है, और उस बुक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि 72 मिनट के अंदर कितना बड़ा महाविनाश हो सकता है अगर युद्ध के हालात बढ़े तो। और मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि 2025 30 मार्च 2025 तक मुझे युद्ध के हालात नहीं दिखाई दे रहे कि विश्व युद्ध की संभावना आ जाए। आगे आने वाले समय के बारे में, आने वाले समय के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतने आगे तक का देखना, एक एक नक्षत्र को देखना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर कोई कहता है कि 2029 में ऐसा हो जाएगा और इस समय पे ऐसा हो जाएगा, तो वो मैं यकीन नहीं करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के पास में एक महीने वाला वीडियो लाता हूँ, एक 15 दिन वाला लाता हूँ, उसके बाद हफ्ते वाला वीडियो लाता हूँ, और फिर रेगुलर जो ट्रांजिट होता है ग्रहों का, उनके ऊपर रेगुलर वीडियोज़ आपके पास में आते रहते हैं। तो 3 दिन, 15 दिन, 42 दिन, 60 दिन, ये समय जो होता है, इस समय के अंदर ग्रह ट्रांजिट करते हैं, ग्रह अपनी चाल को उठाते हैं, और फिर कहते हैं ना कि ग्रह अभी चल रहा है, स्टेबल नहीं हुआ। जब स्टेबल हो जाता है तो वहाँ पे उसका असर देखने को मिलता है, और उसके बाद में वो जब ट्रांजिट करता है तो फिर वो डाउन होता चला जाता है। तो आप लोगों ने बड़े बूढ़ों से सुना भी होगा कि उतरती और चढ़ती दशा ही परेशान करती है, बीच में परेशानी नहीं होती, क्योंकि बीच में ग्रह स्टेबल होता है। तो ये इसी कारण से होता है कि जो तिथि दी जाती है, इस तिथि के ऊपर शुरुआत होगी, और ये शुरुआत नींव डालती है, घटना तो बाद में घटित होती है। तो इस बारे में जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे हुए थे, आंसर नहीं दे पाया था,
क्योंकि तबीयत खराब हो रही थी इस वजह से। तो आज आप जन्माष्टमी अच्छे से मनाएं, खुशीपूर्वक फैमिली के साथ में घूमें फिरें। लेकिन मौसम हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का चल रहा है, मैं भी इन्फेक्शन की चपेट में आ गया हूँ। बाकी लोग इन्फेक्शन की चपेट में ना आए, खुश रहें, अच्छे से रहें। जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।